सरकार के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें फैलाई गई थी। ऑल न्यूज के सीरीज के पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे पुरानी और असंबंधित वीडियोस और तस्वीरों से ये बताने की कोशिश की गई थी कि भारत सरकार कश्मीर में अत्याचार कर रही है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे भारत के सोशल मीडिया यूजर्स गलत खबरों द्वारा ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में शांति बनी हुई है और कश्मीरी सरकार के फैसले से खुश हैं। एक वीडियो जहां पर कई मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान हमारा है गाते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। दावा ये था कि ये बच्चे कश्मीर से हैं और ये आर्टिकल 370 के निष्क्रिय होने के बाद ये गाना गा रहे हैं। वीडियो कश्मीर से तो है पर इसका आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये अप्रैल 2019 में आयोजित एक बीजेपी रैली का वीडियो है। इस वीडियो को बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया था। ANI और इंडिया टीवी द्वारा कुछ तस्वीरों को प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया गया कि श्रीनगर के मोहल्ला मस्जिदों में लोगों द्वारा नमाज अदा की गई। न्यूज एजेंसी AFP के एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए यह दावा किया कि ANI द्वारा प्रकाशित की गई तस्वीर में जो मस्जिद दिखाई जा रही है वह दरअसल जम्मू की मक्का मस्जिद की तस्वीर है। ऑल्ट न्यूज़ ने इस दावे की पुष्टि करने के लिए मक्का मस्जिद की संरचना को जब इंडिया टीवी और ANI द्वारा प्रकाशित की गई तस्वीर में जो मस्जिद दिखाई गई है उसकी संरचना से मिलाकर देखा तो पता चला कि इंडिया टीवी और ANI द्वारा जिस मस्जिद को श्रीनगर कश्मीर का बताया जा रहा है वो दरअसल जम्मू में है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने हाल ही में एक पोस्टर ट्वीट किया था। बीजेपी के इस पोस्टर में एक मुस्कुराती हुई महिला की तस्वीर है। महिला ने कश्मीरी कपड़े पहने हुए हैं और पोस्टर पर लिखा है धारा 370 का जाना तेरा मुस्कुराना। जब ऑल्ट न्यूज़ ने इस तस्वीर को गूगल पर सर्च किया तो हमें ये तस्वीर 2014 में लिखे हुए एक ब्लॉग पोस्ट पर मिली। तस्वीर के शीर्षक के अनुसार पर्यटक कश्मीरी फेरान पहनकर वहाँ फोटो खिंचा सकते हैं। तो इस ब्लॉग पोस्ट से हमें ये मालूम होता है कि बीजेपी के पोस्टर में जो महिला की तस्वीर है वे महिला शायद कश्मीरी है ही नहीं पर उन्होंने सिर्फ एक कश्मीरी फेरान पहनकर फोटो खिंचाई थी। एक और वीडियो को सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से साझा किया जा रहा है और साथ में ये दावा किया जा रहा है कि कश्मीर के मुसलमान भाइयों ने भारत सरकार के पक्ष में रैली निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन हकीकत में ये वीडियो इस साल फरवरी का है जब बैंगलोर के बोहरा मुसलमानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों की याद में रैली निकाली थी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गलत तरीके से वीडियो और तस्वीरों को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर यह दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है। आगे के प्रकरण में हम देखेंगे कुछ ऐसी और गलत सूचनाएं जिन्हें अनुच्छेद 370 में हुए बदलावों के बाद सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। धन्यवाद।